Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. इस vlog की शुरुआत हो रही guys घर से. जैसा guys आप देख रहे हैं, कल ही guys मैंने आपको कलेक्शन दिखाया था ना वेस्ट का, और आज मैंने पहन लिया. बताइए कैसा लग रहा है. तो फाइनली guys हम तैयार हैं, जा रहे हैं बाहर. और हम जा रहे हैं गाइस कहाँ पे, जो लास्ट टाइम इवेंट हुआ था जनता राजा वाला, जो कैंसिल हो गया था, हम नहीं जा पाए थे. तो फाइनली आज हम लोग वहां जा रहे हैं और उसका लास्ट डे है, मेरे 7 तारीख है. तो चलते हैं, इस टाइम 5 बज रहे हैं, शो का टाइम 6 बजे का है. तो मुझे 6 बजे पहुंचना है अपने पास, खाली 1 घंटा है. तो फटाफट निकलते हैं. बाकी मैंने वेस्ट पहन ली है, ऐसे नहीं जाऊंगा, साथ में शर्ट पहन लेंगे. कल आपको मैं दिखाया था अपने कॉम्बिनेशन, तो बढ़िया गाइस मेरा ये आज का पूरा आउटफिट है. तो बढ़िया मस्त हम लोग ये पहन के आज, ये मेरा पूरा चेक कर लीजिए गाइस, ये ऊपर से मेरा फुल आउटफिट है. ये पहन के हम लोग जाने वाले बढ़िया मस्त, जो आपको बताया था शिवाजी राव वाला पूरा इवेंट होना है, जो पूरा बड़े किले वाले सजावटा, जहाँ पे हाथी थे उतने आपको दिखाया मैंने, कैमल ऊंट सब बहुत सारे जानवर थे, हॉर्सेस वगैरह भी थे. तो पूरा मस्त एक्सप्लोर करेंगे आज, तो पूरा शो होगा भी क्योंकि लास्ट डे है, तो बहुत भीड़ होगी, काफी लोग आएंगे, मजा आएगा यार. चलिए फाइनली आई एम रेडी, शर्ट पहन लिए, रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं. मम्मी कहते बाय बाय. ओके मम्मी जी चलते हैं, बाय बाय. पैसे ला दे कुछ खर्चे पाने के लिए, खर्चे नहीं है ये देखो, पैसे नहीं दे रही भाई खर्चे के लिए. तो एलेक्स आपको बाय बाय कर देते हैं, आप भी कहते हैं ओके बाय बाय, आपको मिलेंगे हम लोग 2 घंटे बाद, ठीक है, बाय बाय कर लो. चलो ऐसे बाय बाय कर दिया. तो गाइस अब निकलते हैं डायरेक्ट, हम आपको बाहर मिलेंगे, लेट नहीं करते, काफी टाइम हो गया, 5 बज गए यार, बहुत लेट हो रहा है, 6 बजे का शो है, जल्दी पहुंचना पड़ेगा, बहुत भीड़ भाड़ हो रही है. फटाफट पहुंचते हैं, निकलते हैं, आपको डायरेक्ट बाहर मिलेंगे. तो गाइस आप ये चेक कर सकते हैं, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग यहाँ से एंट्री करना है, चलते हैं अंदर, आपको मस्त दिखाते हैं. गाइस यार चलिए फाइनली पहुंच चुका मैं पार्किंग में. अब ये चक्कर कैसे कितना बड़ा माहौल बना पड़ा, अब ये चक्कर इतने लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ है पूरा आज भाई, पूरा फुल पड़ा है. कैसे टिकट मिलेगा मुझे यही क्लियर नहीं हो रहा है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, चलते हैं पता करें, टिकट मिले तो अच्छा है. मैंने भाई यहाँ तो लास्ट है ना, तो हर कोई आया, हर कोई देखना. ये चक्कर है फाइनली, हम लोग पार्किंग से बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे लगे बैरिगेड और यहाँ से लोग स्ट्रेट जा रहे हैं पूरा आगे, और आपको बहुत भीड़ भाड़ हो रही है. चलते हैं आपको दिखाते हैं, मस्त टिकट लेना पड़ेगा, पहले क्लियर करें टिकट है कि नहीं है. तो चलते हैं यहाँ से, चलते हैं भाई, आज तो भीड़ है, अलग ही मौसम बना भाई, अलग ही भाई बाहर. और जैसा कि आपसे बात करता था भीड़ के, आपको भीड़ दिखाते हैं, आप ये चेक करें गाइस कितनी भीड़ हो रही है, पूरा फुल है. चलते हैं टिकट लेते हैं, मैंने कहीं भीड़ में हम भी ना रह जाए. चलिए गाइस पहुंच चुके हैं फाइनल में टिकट काउंटर पे, ये रहा टिकट काउंटर, फटाफट टिकट लेते हैं फिर मिलते हैं आप. चलिए फाइनल में टिकट मिल चुकी है, चलते हैं मसल अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है. ये चक्कर कितनी भीड़ हो रही है भाई, मजा आएगा. लेकिन ये चलिए फाइनल मैंने एंट्री कर ली है, टिकट अपना ये है, आपको दिखाते हैं. मेरा है प्रतापगढ़ द्वार, जो कि मेरा सामने का ये रहा, यहाँ पे 4 द्वार हैं, एक आपको ये चेक करिए पनालगढ़ द्वार, दूसरा प्रतापगढ़ द्वार, तीसरा आपका सिंहगढ़ द्वार, चौथा आपका रायगढ़ द्वार. जो रायगढ़ द्वार सबसे ये वी आई पी है, ये वी आई पी है, ये अपना नॉर्मल वाला है, और सबसे नॉर्मल है वो गाइज ये है. तो 4 गेट हैं, अपना ये सामने वाला है प्रतापगढ़ द्वार, तो इसी में हम लोग को चलना है आराम से. चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं, अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा अनाउंस कर रहे हैं, थोड़ा आपको बाहर के एरिया दिखा देते हैं, आपको दर्शन कराते हैं सबसे पहले दुर्गा माता जी की, भारत माता जी की, ये चेक करें और फिर आपको अंदर ले चलेंगे, पूरा अंदर भी दिखाएंगे. जय भारत माता. जैसे मैंने आपको दिखाया दर्शन करा दिए, मैंने आपको भारत माता के, बाकी दर्शन कर लीजिए छत्रपति शिवाजी राव के, जिनका ये शो है, तो आपको उनके दर्शन करा देते हैं. अरे मस्त छत्रपति शिवाजी जी, दर्शन कर लीजिए गाइस, जय छत्रपति शिवाजी गाइस. प्रतापगढ़ द्वार चलते हैं, एंट्री करते हैं, शो स्टार्ट होने वाला है, बढ़िया आपको पूरा शो एंजॉय कराते हैं. भाई अलग ही मजा आ रहा है, बहुत भीड़ है आज तो मुझे लग नहीं रहा था, बट लास्ट डे है ना, तो हर कोई आ रहा है, हर कोई एंजॉय कर रहा है, हर कोई देख रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है. चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं, डायरेक्ट आपसे अंदर मिलते हैं. ये चेक करें फाइनली हमारे अंदर एंट्री हो चुकी है, और ये हमारा मॉल, जैसा मैंने आपको उस दिन दिखाया था अपनी सीट, ये 500 वाली, वो गाइस 200 वाली. ये चेक करें जो कुर्सी पे है, ये 200 वाले, ये हमारी 500 वाली, इसके बाद हमारे गाइस हमारी 1000 वाली, और सबसे आगे हमारी 5000 वाली भी वीआईपी, सारे बैठे हैं. और सामने वाले की पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपको दिखाएंगे. फिर अभी देखिए सारे भी जो भी यहाँ के कास्ट है, धीरे धीरे आ रही है, स्टार्ट होगा, अब कैमरे पे दिख रहा होगा, ये चेक करें, अभी धीरे कास्ट आ रही है, स्टार्ट हो रहा है. ऐसे गाइस शो स्टार्ट होगा, फिर आपको दिखाएंगे. फिलहाल बड़ा अच्छा लग रहा है, मस्त अब पूरी भीड़ हो रही है, अब ये चेक करें कितना माहौल बना हुआ है, पूरा अंदर देखिए स्टेज भरा हुआ है, आगे पीछे पूरा, मजा आएगा. चलते हैं पहले सीट ढूंढते हैं, बैठ जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. अब ये चक्कर है यहाँ पर हो चुका है अंधेरा, ये चक्कर से हमने फ्लैश लाइट ऑन कर लिए, रीजन क्या है कि सामने होने वाली हमारी आरती, तो चक्कर में अंधेरा कर दिया. ये चक्कर है स्टेज पे आरती हो रही है, हम लोग सब लोग मस्त यही खड़े हैं, सब लोग फ्लैश ऑन से ये चेक करें कितना बढ़िया व्यू आ रहा पीछे का. चलिए फाइनल हमको सीट मिल चुकी है, आराम से बैठ चुके हैं, शो स्टार्ट होने वाला है, ये चेक करें, पूजा हमारी यहाँ खत्म हो चुकी है, पूजा आरती हो चुकी है, बस शो स्टार्ट होता है, फिर आपको दिखाते हैं. चेक करें शो स्टार्ट हो चुका है, ये चेक करें गाइस कितना बढ़िया लग रहा है. दिया जाए
मराठी गोकुल का श्मशान हुआ। प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। मुझे अस्त्र दे, मुझे शस्त्र दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बाण दे। पुत्र सह्याद्री को हुआ, पुत्र महाराष्ट्र को हुआ, पुत्र भारत वर्ष को हुआ। आपका जन्म तो सूर्य कुल में हुआ, आपकी तलवार में साक्षात तुलजा भवानी वास करेगी। ये बगावत है तुलजा भवानी की खातिर, और उसकी जीत होनी चाहिए। हमारे पराक्रम की मोहर मेरी जान बचा लीजिए। बढ़िया चल रहा है शो, मजा आ रहा है। थक गए लेकिन ये बढ़िया। हम हुक्म मानते हैं सिर्फ अपनी माँ साहिबा का, सलाह लेते हैं हमारी रानी साहिबा की। महाराज ने बेलसर गांव के पास शाही फौज पर छापा मारा। इस किले कब्जे में कर लिए। हमारे गरीबों का खून चूस के सुल्तान के नमक से ईमानदारी। राजन आप भूल रहे हैं, हम मामा जी हैं आपके। मामा साहब, हम बिल्कुल नहीं भूले। ये साजी, मामा साहब के हाथों पैरों में जंजीरें पहना दो। राजन याद रखना, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं राजन। भैरव जी, अच्छा नहीं। मोहिते मामा की सारी दौलत जब्त कर लो। वो आपकी सौतन के भाई है, महाराज के मामा जी है। कंस भी कृष्ण का मामा ही था पंत, लेकिन उसका अंत किस तरह करना पड़ा। ऐसे खाने वाले का रिश्ता होता है सिर्फ गिद्ध से, इंसान से नहीं। हजरत जिल्ले इलाही, ये बंदा अफजल खान शिवाजी भोसला को हुजूर के सामने पेश करेगा, जिंदा या मुर्दा। हम आपसे क्यों डरे, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आओ, अपनी सारी शेखी छोड़कर इस अफजल खां को गले लगाओ। आओ, और चलिए फाइनली हो चुका है इंटरवल, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, 10 मिनट का ब्रेक हुआ है, तो आराम से बैठते हैं, चलते थोड़ा टहल वहल के आते बाहर, फिर अपना शो स्टार्ट होगा। अभी भी डेढ़ घंटे का बचा है, घंटे का हो चुका है, अभी एक डेढ़ घंटे का बचा है, तो मस्त एंजॉय करेंगे। अभी तक बहुत मजा आया, बाकी ये चेक करें भीड़ कितनी है। लास्ट डे था तो चक्कर में काफी लोग आया, बहुत भीड़ भाड़, बहुत अच्छा माहौल बना है। चलते हैं बाहर टहल के आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा पी के आते हैं, जैसा भी। अब ये चेक करें, मैं आ चुका हूँ यहाँ बाहर, बाहर अभी चेक करें कितनी भीड़ भाड़ हो रही है। इस समय इंटरवल हो चुका है तो हर कोई निकला हुआ है बाहर कुछ खाने पीने के लिए। चलते हम भी कुछ देख के आते हैं ना, बढ़िया खाने पीने का क्या ऑप्शन है। आते हैं उधर कैंटीन लेके दिखाते हैं क्या क्या खाने का ऑप्शन है वहाँ पे। आ चुका हूँ मैं कैंटीन साइड, दिखा दो कितनी भीड़ हो रही है, ये चेक करें। मतलब इतनी भीड़ है, कैसे लेंगे हम लोग, भूख के मारे हर कोई पगलाया हुआ है। हम लोग अब इसी में चल के खाना है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, आपको दिखाते हैं फिलहाल जैसा भी है। लेकिन बहुत भीड़ हो रही है, कैसे लेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आप पढ़ लीजिए क्या क्या ऑप्शन है खाने पे अपने पास, ये चेक करें। आलू पेटी, चीज सैंडविच, ग्रिल पेस्ट्री, मैगी, वेज बिरयानी, ये चेक करें। फनी मैंने ले तो लिया, एक समोसा लिया, एक कोल्ड ड्रिंक छोटी वाली और एक 10 वाला चिप्स, तो बढ़िया खाते हैं। दिक्कत है खाएं कैसे खड़े होके यार, कुछ रखे चाहिए ना बैठे खाने के लिए, जुगाड़ बनाते हैं कोने में खड़े होके तब खाएंगे, तो खड़े खड़े कहाँ खाएंगे यार। मुकुल की ताजगी आई, खुशियों की चांदनी बिखर गई। तो भाई चलिए बढ़िया ना खा पी लिया, आराम से बैठे, अब अच्छा लग रहा है, अब पूरा शो एंजॉय करते हैं, जब खत्म होगा तो आपको आखिरी मिलेंगे। शिवाजी राव आगे अटैक करने के लिए आपका राज संस्कार होना ही चाहिए। गुरुजी, मैंने ये सब राजा बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं किया, ये राज तो जगदीश्वर का है, तुलजा भवानी का है, प्रजाजनों का राज है ये। अभिषेक की तिथि निर्धारित की गई, लोगों की चहल पहल और धूमधाम थी,
कहिए, ये पृथ्वी मेरी पत्नी है और ये प्रजा मेरी संतान है। राजा होने के नाते मैं पूरी ममता से इनका पालन पोषण और संरक्षण करूंगा। ये शेखर है, फाइनल वो स्टेज पर ही आ गए जहाँ पूरा शो हुआ था आपको दिखाने के लिए एकदम पास से। आप मेरे पीछे ये चेक करें गाइस, ये पूरा स्टेज था जो पूरा बना था, ये चेक करें, ये पूरा सेट था जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हम लोग यहीं पे आके मस्त आराम से आपको ब्लॉग कर रहे हैं, आपको पूरा एरिया दिखा रहे हैं कैसा है पास से। चेक करें गाइस, ये पूरा वुडन का था, आपको दिख रहा होगा। और ये पूरे का स्टेज था, ये पूरा बताइए बना हुआ था। ये आगे कास्ट के साथ देखिए टहलने लोग हैं। और आप ये चेक करें हमारे इतने सारे जिन्होंने परफॉर्म किया था सारे लोग, ये चेक करें कहाँ मस्त एकदम स्टेज पे खड़े हैं। अब ये चेक करें हम लोग कहाँ वहाँ बैठे थे और वहाँ से लोग कहाँ पर आ चुके हैं यहाँ, ये चेक करें। अब ये चक्कर आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पे भवानी माता जी के एकदम पास से। ये चक्कर ऐसे करके सेट बनाया गया गाइस, आपको अंदर का दिखाते हैं। ये चेक करें, ये अंदर का दृश्य है जैसा कि लोग चलते थे महल के अंदर, आपको दिखाते भी आपको जगह कैसा था, कैसा व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये चेक करें, ये लोहे की पटरियां हैं, लोग चढ़ के जो आ रहे थे सामने गाइस, ये चेक करें यहाँ पे लोग चल के आ रहे थे। ये वो एरिया आपने देखा होगा महल वाला एरिया, यहाँ पे राजा लड़ाई कर रहे थे, शिवाजी ने एक उंगली काटी थी। और वो देखिए पूरा सामने स्टेज था जहाँ लोग बैठे थे। तो गाइस आप ये चेक कर सकते हैं, ये वो एरिया था पूरा महल वाला जहाँ से एंट्री कर रहे थे राजा लोग, आपने देखा होगा। और आपको ये चलते हैं यहाँ से ऊपर, ऊपर भी रास्ता है भाई, पूरा सेट बना यार। आप ये चेक करें पूरा सेट, आप ये देख रहे हैं पूरा सेट बना है। ओ भाई यहाँ तो लगी फील आ रहा है आपको, ऊपर लेकर दिखाते हैं, नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही ऊपर। तो ये चेक करें हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, टॉप एकदम किले पे, जैसे कि आपको दिखा होगा नीचे से। ये पूरा चेक करें गाइस, ये पूरा किले का व्यू है, आपको ये चलते हैं वहाँ पे। अब ये चेक कर सकते हैं, ये यहाँ का व्यू है महल वाला जैसा आपको दिखाएंगे। यहाँ से देखो राजा शिवाजी राव एंट्री कर रहे थे, मिडिल ऑफ व्यू दिख रहा था, आप ये चेक करें। और ये पूरा व्यू है जैसा कि आपको दिख रहे हैं महल का, आप ये चेक करें, मेरे को पूरा दिखा दीजिए, चेक करें पूरा सेट है, ये पूरा वुडन का है, कोई पीओपी का बना है, पूरा ये एरिया है। चलते हैं नीचे, पूरे बोल ने मना कर रहे हैं तो नीचे निकलते हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया लगा, मजा आया फिलहाल, बहुत अच्छा लगा। चलिए फाइनली चले लोग यहाँ से नीचे, आपको हम दिखाया, ये पूरा चेक करिए, इन्होंने लोहे का पूरा सेट बना रखा है पूरी यहाँ पे सीढ़ी वगैरह। और ये पूरा यहाँ से पूरा व्यू चेक करें, महल का पूरा व्यू आ रहा था, ये पर्दा लगा था कहीं से नहीं, राजा महाराजा आ रहे थे। अब ये चेक करें गाइस कैसा व्यू आ रहा है मेरा, लग रहा है राजा महाराजा। ये चेक कर जैसा मैंने आपको दिखाया था, यही वो किला था जब हम अंदर यहाँ खड़े थे, ये पर्दे से निकल के आते, पूरा बताया आपको, पूरा जीने का सेट बना था पूरा लोहे का। और ये पूरा किला भी हम लोग वहाँ पे चल गए थे, पूरा आपको दिखाया ऊपर से भी, तो मैंने आज आपको पूरा दिखा दिया अंदर से बाहर से हर जगह से पूरा क्लियर कर दिया, कहीं भी छोड़ा नहीं आपको, सब कुछ दिखाया, कुछ भी बाकी रखा नहीं है, कुछ भी सब दिखाया एक चीज। मैं लोगों को हेड्स ऑफ यार, मतलब क्या ही काम किया, क्या ही मेहनत इनकी, फिलहाल बहुत मजा आया। अब ये चक्कर मेरे पीछे पूरा स्टेज खाली हो गया, तो निकलते हैं हम लोग भी यहाँ से, पूरा चेक करें, पब्लिक सब चली गई है, बस हम लोग कुछ लोग बचे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं से बाहर। अभी निकलना है 10 बजे, कब घर पहुँचेंगे बहुत से पता, 11-12 बज जाएगा, तो निकलते हैं फटाफट, मिलते हैं आपको बाहर। चलिए फाइनली निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से बाहर, चलते हैं अपनी पार्किंग में, पार्किंग जाना पड़ेगा कम से कम यहाँ से 200-300 मीटर होगा। फिलहाल बड़ा अच्छा शो था जैसा आपको दिखाया, बहुत मज़ा आया, और नहीं एकदम अनबिलीवेबल वाला फीलिंग आ रहा था सबको दिखाया, एकदम रियल लग रहा था कि सही में वैसा पूरा हो रहा है जैसा आपको दिखाया था। मैंने आपको पूरा कोशिश की एक चीज़ दिखाया अंदर से बाहर से, पूरा पूरा शो जितना कोशिश हो पाया इतना पूरा पूरा दिखाया, बहुत मज़ा आया। लेकिन अभी चेक करें पीछे मेरे पूरा खाली हो गया, सब लोग जा चुके काफ़ी हद तक, कुछ लोग बचे हैं, कुछ लोग दिखे लोग अभी चल रहे हैं जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं फटाफट, पहुँचते हैं पार्किंग में यार, घर पहुँचे थक गए, मज़ा आया। और चलिए फाइनली हम लोग आ चुके हैं पार्किंग में, ये चेक करें, खाली मेरी स्कूटी खड़ी है, बाकी कोई गाड़ी नहीं है, बस खाली स्कूल बस खड़ी है, ये महाराणा प्रताप से आई थी, बाकी ये चक्कर है कुछ कार एक दो खड़ी हैं, बस सब जा चुके हैं, खाली गिने चुने एक दो लोग रह गए, उसमें से हम ही हैं, खाली मेरी स्कूटी खड़ी यहाँ पे। तो हम, और एक गाइस ये चक्कर यहाँ पे ओस भी है, इसका मतलब भाई ठंडी आ गई है, बट इसलिए शर्ट पहन के आया था, फटाफट शर्ट बंद कर लूंगा आराम से, ठंडी कम लगेगी और मस्त निकलते फटाफट घर यार, हमारी तबियत खराब हो जाएगी भाई, ओस पड़ने लगी। आप ये चक्कर गाइस रियली ये चक्कर है भाई, सब चलेगा जब डायरेक्ट निकलते हैं फटाफट घर पहुँचते हैं, बाकी बात आपसे घर पे करेंगे। यार चलिए फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, जस्ट अभी जा घर पहुंचाऊँ यार, बहुत थक गया, रात के 11:30 बज गए, चलेंगे चेंज करेंगे आराम से, खाएंगे पियेंगे सोएंगे, एडिटिंग करेंगे यार। बाकी गाइस आज आपको मैंने पूरा ब्लॉग दिखाया, आई थिंक आपको मज़ा आया, सब कुछ दिखाया मैंने, कुछ छोड़ा कुछ बाकी रखा नहीं, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाकी इस ब्लॉग को आज मैं एंड करता हूँ, बिकॉज आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा, तो ठीक है इस ब्लॉग को आज मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।